नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस घटना को कमज़ोर दिल वाले ना सुनें और ना ही बच्चे इस घटना को सुनें। दोस्तों ये एक ऐसी सच्ची घटना है, यहाँ से 10 साल पहले हुई थी। हिमाचल में पास में ही माता शीतला का मंदिर है, इसके जस्ट कोई 1.5 किलोमीटर दूर की बात है, जंगल के अंदर की बात है। तो दोस्तों होता क्या है कि गांव के सारे बच्चे जाते हैं, अपने अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो चराते हैं। तो जब चराने जाते हैं तो अब क्या होता है कि पशु चरा रहे होते हैं, दिन का कोई 2:30 बजे का टाइम होता है। तो दोस्तों सारे बच्चे, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और सभी बच्चे, एक तो उसमें क्या था कि वहाँ पर गर्मी का सीजन था, तो गर्मी के मौसम में एक कांटेदार पेड़ होता है, गरुणा झाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों वो गरुणा पके होते हैं, तो गरुणा झाड़ी के वो फल खा रहे थे। फिर क्या होता है कि सारे बच्चे खाकर जब पेट भर जाता है तो सारे अपने अपने पशुओं को देखने जाते हैं कि भाई हमारे पशु हैं कि नहीं है, और सभी जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे जाते हैं तो उनको ना कोई 100-150 मीटर पर एक औरत दिखती है, और वो औरत आगे जा रही होती है और उसने ना लाल कपड़े पहने होते हैं। और जब वो जाती है आगे तो देखते हैं तो सारे बच्चे कहते हैं कि पता नहीं कौन है क्या है। तो वो औरत की जो चुनरी थी ना, वो चुनरी उसकी जमीन पर सरक रही थी और वो आगे चली जा रही थी। तो बच्चों ने सोचा शायद कोई औरत है, तो हम जाकर देखते हैं कि कौन है। सभी बच्चे छोटे थे, कोई 15 साल का भी था, कोई 18 साल का भी था, 10 साल के थे सारे बच्चे, कोई 20 साल से ऊपर कोई नहीं था। तो बच्चे सभी उसके पास चले जाते हैं और जैसे वो उसकी तरफ जा रहे होते तो और आगे जाती है, और उसकी जो चुनरी थी वो सरक रही होती है। और दोस्तों उसमें जो गर्मी थी तो काफ़ी तेज गर्मी थी, तो नॉर्मली टेम्परेचर पहाड़ों का टेम्परेचर उस टाइम 38 डिग्री टेम्परेचर के करीब था, क्योंकि पहाड़ों में 38 डिग्री बहुत होता है। 38 डिग्री में ही वहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि धूप तेज होती है। तो धूप भी थी और बच्चे चले गए उधर आगे। जैसे दोस्तों होता क्या है कि जैसे वो उस औरत के पास पहुँचते हैं तो औरत उनको कहती है कि पीछे हट जाओ, मेरी तरफ मत आओ। तो सब बच्चे सुनते हैं कि क्यों कह रही है, तो किसी ने कुछ कहा नहीं, तो सारे फिर उसके पास चले जाते हैं। तो जैसे वो जाती है तो वो आगे चली जाती है, तो फिर कहती पीछे हट जाओ, मेरी तरफ मत आओ, पीछे हट जाओ, मेरी तरफ मत आओ। तो वो 3-4 बार कहती है, तो सभी बच्चे, और फिर क्या होता है कि जैसे वो कहती है और वो एकदम गायब हो जाती है। तो गायब हो जाते हैं तो दोस्तों सभी बच्चे डर जाते हैं, तो कहते हैं कि ये क्या चीज़ थी। तो होता क्या कि दोस्तों वो औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। और कोई नीचे उन दिनों में क्या होता कि जहाँ पर वो औरत जा रही थी तो उसके साथ ही नीचे एक शमशान घाट था। तो शमशान घाट पर एक अभी कोई लेडीज खत्म हुई थी पीछे, तो वो उसी की आत्मा भटक रही थी। तो फिर जब आते हैं वापस, क्योंकि बच्चे डर कर वो घर की तरफ भागते हैं, तो रास्ते में जैसे आते तो रास्ते में शमशान घाट था, तो शमशान घाट में देखते वहाँ पर किसी का जलाया गया था कोई 5-10 दिन पहले ही। तो फिर सभी घर चले जाते हैं, तो उन्होंने अपने परिवार में बताया कि हमारे साथ आज एक औरत मिली हमें वहाँ पर, और वो औरत हमें ये कह रही थी कि मेरी तरफ मत आओ, मेरी तरफ पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। और फिर क्या होता है कि वो गायब हो जाती है। तो दोस्तों मैं जो भी कहानी बताता हूँ दोस्तों ये सच्ची कहानी है, ये मेरे छोटे भाई के साथ हुई थी घटित है, तो छोटे भाई ने मुझे बताया भी था और साथ में गांव के और बच्चे भी थे जो साथ में थे, जिन्होंने बताया कि ऐसा हुआ। तो दोस्तों मैं जो भी कहानी, ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बना देता हूँ, जो सच्ची घटना थी वही बताता हूँ कि ऐसा पहाड़ों में होता है। अब जैसे गर्मियों का सीजन होता है, लोग क्या आते हैं घूमने, जैसे गर्मी में पहाड़ों में दोस्तों ऐसा होता है कि सुनसान जगह पर ये चीज़ें मिल जा पाई जाती हैं। और साथ में फिर उसके बाद दोस्तों मैं अब ये जैसे मान लो कि जो औरत उनको मना कर रही थी, वो औरत थी कौन और उनको वो क्यों मना कर रही थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय।